सभी आशा कार्यकर्ता सी वैक फॉर्म मोबाइल से सर्वे करना सीखें। आपको क्या काम करना है, अपने मोबाइल में जो ये कवच एप्लीकेशन है उसको आपको ओपन करना है, उसी के सी वैक फॉर्म की सर्वे की जाएगी, जिस पे आप सर्वे एक अच्छे से करके अपना स्कोर डेवलप कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी आशा कार्यकर्ता, जैसे हम एक कवच को देखते हैं, एक कवच में आपने सर्वे की होगी, एक कवच पे बहुत सारी तरह की सर्वे की जाती है, जहाँ पे हम आपको एक एक पॉइंट क्लियर करने वाले हैं आज, एक एक पॉइंट के बारे में समझाने वाले हैं आपको, जो एक कवच है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले आपको अपनी आईडी पासवर्ड डालना है और उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, कुछ थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा और लॉगिन हो जाएगा। इस तरह से लॉगिन होने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शन आपको मिलते हैं, जैसे परिवार स्वास्थ्य सर्वे हो गया, ठीक है, या लाभार्थी की सूची हो गई, आभार नंबर बनाए कैसे, मेरी लाभार्थी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आज का कार्यक्रम आप देख सकते हैं, उच्च जोखिम वाली जो लाभार्थी हैं उनकी आप देख सकते हैं, उनका आप सर्वे कर सकते हैं, BHND हो गई, फाइल एरिया हो गई जो सर्वे हाल ही में चलने वाली है, ठीक है, वीडियो प्रशिक्षण, आप वीडियो देख के भी प्रशिक्षण ले सकते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अन्य वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लाइब्रेरी में देख सकते हैं आज का कार्य कितना आपका हुआ, वो भी आप देख सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे वह सी वैक के बारे में बात करेंगे कि आपको सी वैक फॉर्म की कैसे फीडिंग करनी है, किस प्रकार से आपको सी वैक एप्लीकेशन पे कैसे काम करना है, जो सी वैक ऑप्शन है उस पे कैसे काम करना है। देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है सी वैक, तो सी वैक पे कैसे आप काम कर सकते हैं, या फिर देख सकते हैं आप न्यूमोनिया, इस तरह से बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको सर्वे करना है, अपनी कंप्लीट सर्वे करना है, ताकि आपका एक अच्छा और ठीक ठाक पेमेंट हर महीने आ सके। क्योंकि जितना अच्छा आपका सर्वे होगा मोबाइल से, क्योंकि अपना आपका जो मोबाइल नंबर है उसी से बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, सब कुछ मोबाइल से सिस्टम हो चुका है, जितना अच्छा आपका मोबाइल पे सर्वे होगा उतना अच्छा आपके पास पेमेंट आएगा, उतना ही अच्छा आपके पास पेमेंट आएगा। तो सबसे ज़्यादा आप अपने मोबाइल की सर्वे पे फोकस करें, ताकि आपकी सर्वे जो है मोबाइल पे अगर वेस्ट है, सर्वे जो मोबाइल पे आप करते हो वेस्ट है, ठीक ठाक है, कोई गलती ज़्यादा नहीं है, तो आपका अच्छा एक स्कोर बन जाएगा और अच्छी एक अर्निंग भी होगी, अच्छी एक सैलरी भी आपकी हर माह आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ब्लैक कलर में और लाल कलर में, दो कलर में आपको देखने को मिल रहे हैं नाम, जो आपके सी कवच में पहले से ही सर्वे जो है कंप्लीट फीड है, ठीक है, इस तरह से आपकी होगी कुछ, ठीक है, जो हमने कर दिया है सी वैक, जो मकान नंबर हमने कर दिए हैं तो वो ब्लैक में आपको दिखेंगे, और जो नई सर्वे की है वह आपको लाल कलर में दिखेगी, ठीक है। तो आपको लाल कलर में जो दिखे उस पर आपको क्लिक करना है, और उस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से कुछ ऑप्शन आपके पास खुल के आएगा, देख सकते हैं नीले कलर का हो गया, तो इस तरह से कुछ आपके पास ऑप्शन होगा और आप आगे बढ़ें, इस पर क्लिक कर देना है। उसी तरह से आपके पास जैसे जिस परिवार में जितने भी नाम है उस आपको देखने को मिल जाएंगे, तो जैसे फर्स्ट नाम है विजेंद्र सिंह, ठीक है, तो आप जैसे अगर इस पर क्लिक करोगे ना, अगर क्लिक करोगे तो ये नीले कलर का हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हो कि नीले कलर का इस तरह सही का टिक लग के आ गया। आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए आपको क्लिक करना है, जब आगे बढ़ने के लिए आप क्लिक करोगे तो आप आगे देखोगे किस किस प्रकार से ऑप्शन खुलेगा आपका।
जब आपने क्लिक करने के बाद इस तरह से आगे बढ़े तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आपके पास खुल के आएगा। ऑप्शन खुल के आया, इसमें जैसे लाभार्थी आईडी है, आधार कार्ड के अनुसार नाम है, आवा आईडी है, उम्र है, जन्म तिथि है, लिंग है, पता, जो भी आपका होगा, मतलब हमने जो भी सर्वे की थी उस सर्वे के अकॉर्डिंग इसमें जो है पता खुल के आएगा, क्योंकि आपकी ही कवच पे सर्वे है, फीडिंग है, तो उसी प्रकार से आपका जो है फॉर्म जो नॉम है वो खुल के आएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे नीचे की साइड आपको भरना है, नीचे की साइड जब आप स्क्रीन को जैसे ऊपर को करोगे तो नीचे की साइड आपको बढ़ते हुए नज़र आओगे। जैसे मैंने थोड़ी सी स्क्रीन को जो है ऊपर की तरफ किया और इस तरह से कुछ नीचे की तरफ हमें एप्लीकेशन देखने को मिलने लगे कुछ, तो इस तरह से आप देख सकते हो। जन्म की तारीख होगी, ठीक है, उसके बाद लिंक क्या है, पता क्या है, ठीक है, इस प्रकार से। फिर यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर किनका है, मालिक का है, अगर मालिक का है तो यहाँ पर आपको जैसे क्लिक करना होगा। जैसे आप देख सकते हो कि आपको छोटे छोटे तीर जैसे दिखाई दे रहे हैं, तीर जैसे दिखाई दे रहे हैं, इन तीर पे आपको जैसे क्लिक करना है। तीर पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर स्वयं, फैमिली मेंबर या अन्य, इस प्रकार से तीन ऑप्शन आ गए। तीन ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन चूज करना है। चूज कैसे करेंगे, अगर जैसे मालिक का मोबाइल नंबर है तो आपको स्वयं कर देना है, और किसी फैमिली मेंबर का है, किसी घर में उस परिवार में घर में का किसी का मोबाइल नंबर है तो वहाँ आपको फैमिली मेंबर कर देना है। ठीक है, उसके बाद अगर उनका किसी का भी नहीं, पड़ोस में किसी का है तो आपको अन्य कर देना है। जैसे यहाँ पर हमने जो है स्वयं कर दिया, स्वयं क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर खुद मालिक का मोबाइल नंबर है इसलिए मैंने स्वयं कर दिया। यहाँ पर आप उसे शैक्षणिक योग्यता पूछेगा, अब शैक्षणिक योग्यता पे इस पर आप जैसे बिंदी ये रहे तीर है इस पर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद कुछ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल के आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल के आ गए। कुछ ऑप्शन यहाँ पर खुल के आए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, निचार है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, प्राइमरी कक्षा 1 से 8 तक है, डिप्लोमा है, स्नातक ग्रेजुएशन है, उच्च माध्यम शिक्षा या 11-12 प्रौण शिक्षा, या इस तरह से आप पढ़ सकते हैं कि बहुत सारी शिक्षाएँ हैं, इनमें से व्यक्ति जो है किस शिक्षा का व्यक्ति जो है किस शिक्षा को प्राप्त किए हैं। जैसे किसी ने बीए किया है, किसी ने 8वीं तक पढ़ाई की, किसी ने 12वीं तक पढ़ाई की है, तो उसी प्रकार से आपको सही का टिक लगा देना है, इस पर भर क्लिक करोगे उसी पे वही चला जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर डिप्लोमा किसी बच्चे ने किया है तो आपको डिप्लोमा कर देना है, ठीक है, ठीक है ना। अगर किसी ने स्नातक है, स्नातक का मतलब जानते हो आप, बीए किया या बीएससी किया, बीकॉम किया, ठीक है, इस तरह से कोई डिग्री प्राप्त की है तो आप स्नातक कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर जो है ये प्राइमरी तक कक्षा 1 से 8 तक पढ़े हुए हैं तो मैंने कक्षा 1 से 8 तक यहाँ पर कर दिया है, तो यहाँ पर ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे कक्षा 1 से 8 वाले व्यक्ति ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। फिर आपको नीचे की साइड देखना है, आधार संख्या आपको डाल देनी है, जैसे यहाँ पर आधार कार्ड, और आपको तारीख चुननी है, तारीख कौन सी चुननी है इसमें, जिस तारीख को आप सर्वे कर रहे हो ना वही डेट आपको चुननी है। कैसे चुनोगे, जैसे यहाँ पर आपको क्लिक करना है, कुछ जी बिंदी जैसी दिखाई दे रही है आपको, इन बिंदियों पे आपको क्लिक करना है तो आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस कुछ खुल के आएगा, और आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ठीक जो लिखा हुआ है ठीक पे आपको क्लिक कर देना है, जो ठीक लिखा हुआ है आपको ठीक पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपकी जो जिस डेट में आप सर्वे कर रहे हो वही डेट आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे मैं आज 20/8/2024 को वीडियो बना रहा हूँ, 20/8/2024 को ये सर्वे कंप्लीट कर रहा हूँ, तो इस प्रकार से मैंने ठीक किया और वह ये डेट है जो है अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा आधार कार्ड संख्या, आधार कार्ड संख्या आप इसमें भर सकते हो,
हम जैसे इसमें आधार कार्ड संख्या नहीं भरेंगे, क्योंकि इसमें वीडियो हम बना रहे हैं इस समय, इसलिए हम आधार कार्ड संख्या नहीं डालेंगे। और आप इसमें डाल सकते हो। यहाँ पर आपको क्या, आपको कोई निम्न में से समस्या है, जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिसकी आप सर्वे कर रहे हो, उसे कोई समस्या है इनमें से, जैसे नेत्रहीन है, ज्ञात विकलांगता है, या चलने फिरने में कोई समस्या है, या दूसरों पर निर्भर रहता है व्यक्ति, ऐसी कोई समस्या है तो आपको वही समस्या पे टिक करना है, और नहीं है तो कोई भी नहीं है समस्या, जैसे मैंने कोई नहीं है इस पर टिक किया हुआ है, तो आप भी एक तरह से इस पर कोई भी समस्या नहीं है, इस तरह से आप टिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा कोई स्वास्थ्य बीमा है, अगर कोई स्वास्थ्य बीमा है तो आप हाँ कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। नहीं करने के बाद इस तरह से कुछ बिंदी और आपको आगे की तरफ बढ़ जाना है। फिर आपको यहाँ पर आवा के बारे में कुछ पूछेगा और आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ आपको जो है इंटरफेस खुल के आएगा, जैसे आवा नंबर बनाएं, या पूर्व से बनी आवा आईडी को जोड़ें, या आगे के लिए छोड़ें, ठीक है। तो यहाँ पर हम आवा आईडी के बारे में कुछ थोड़ी सी आपको हिंट दे देंगे। जैसे आवा नंबर पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ देखो किस प्रकार से इंटरफेस जो है खुल के आएगा, या फिर अभी तक आप अभी के लिए छोड़ भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि सीबैक का फॉर्म हम आपको बता रहे हैं, तो छोड़ भी सकते हो, या आवा नंबर कैसे बनाए इसको सीख भी सकते हो। थोड़ी सी हिंट आपको दे देते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह से टिक से नेक्स्ट आपको करना है। यहाँ पर आप आधार के माध्यम से, जैसे आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लगा हुआ है तो उस पर OTP भेज के भी आप बना सकते हो, या फिर इसमें आधार कार्ड फिंगरप्रिंट की मदद से भी बना सकते हो, या फिर आप आधार जनसंख्या प्रणाली ऑफलाइन भी बना सकते हो। तीन ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तीन ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन पर आप काम कर सकते हो। जैसे मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पर काम करेंगे तो देखो किस प्रकार से जो है इंटरफेस खुल के आएगा, आपको प्रॉपर तरीके से आगे के बारे में दिखाएंगे बताएंगे भी। जैसे मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपसे पूछेगा आधार नंबर डालो, आधार नंबर डालोगे उसके बाद आपसे इसमें जो निशान है इन निशानों को आपको लगाना है और आपको आगे बढ़ जाना है। जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो कुछ प्रोसेस आपके पास खुल के आएगा और आपकी आवा आईडी 1 के जनरेट हो जाएगी, OTP मांगेगा जाएगा इसी आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पे जाएगी OTP और आपका एक आवा आईडी जनरेट हो जाएगा OTP डालने के बाद, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमने आधार नंबर नहीं डाला है, हम चलते हैं बैक। बैक चलने के बाद यहाँ पर अभी के लिए आवा नंबर छोड़ें, ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी के लिए छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि हम सी बैक के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं आवा नंबर कैसे बनाएं, तो आप दूसरी वीडियो हमारी देख सकते हैं, उसमें हमने प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है। और यहाँ पर आपने कुछ क्लिक करना है, बिंदी है इस पर आपको क्लिक करना है कुछ, ठीक है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस खुल गया आएगा, जैसे यहाँ पर कभी नहीं, या अतीत में कहते थे, या आप नहीं, या प्रतिदिन रोजाना, एक क्या चीज़ है, तम्बाकू है। जैसे कोई व्यक्ति तम्बाकू खा रहा है या पहले खाता था, गुटखा है, अगर कुछ ऐसा खा रहे हैं तो आपको हाँ करना है, प्रतिदिन रोजाना कर देना है, नहीं खा रहे हैं तो आपको कभी नहीं पे क्लिक करना है और कभी नहीं कर देना है, या कभी कभी खाते हैं तो आप दूसरा वाला ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको पूछेगा आपसे क्या आप रोजाना शराब पीते हैं, अगर वो व्यक्ति रोजाना शराब पीता है तो आप हाँ कर सकते हो, और नहीं पीता है तो आप नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको नहीं क्लिक करना है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप फिर हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आया, फिर से वीडियो बना दो, तो हम आपके लिए फिर से वीडियो बना देंगे और आपको बहुत सारी डिटेल में समझा देंगे कि किस तरह से आपको ईकवज एप्लीकेशन पे काम करना है। और बहुत सारी इसी यूट्यूब चैनल पे हमारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी, एक एक पॉइंट मैंने हर वीडियो में बताया है कि किस प्रकार से आपको ईकवज पे काम करना है। आवा आईडी से लेकर मैंने बहुत सारी वीडियो इसी चैनल पे यूट्यूब चैनल पे डाल रखी हैं, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है BWGS1, इसको आप सर्च करोगे तो आपको सर्च में मिल जाएगा और आप इस पर सब बहुत सारी वीडियो देख सकते हो।
अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें वीडियो को, और अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। शेयर करोगे आपके लिए फिर नई नई वीडियो आती रहेंगी, इसी चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। सबसे पहले हम फिर मिलते हैं एक नई अगली वीडियो में, तब तक आप पूरी वीडियो को इसको देखिए और समझिए कि किस प्रकार से मैंने आपको इसमें समझाया है।